फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, रोजरी बायोटेक का IPO अनाउंस हो चुका है और इसकी बिडिंग है वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, ROE, ROC इन सब के बारे में जिक्र करेंगे, और उसके बाद मैं लास्ट में आपको डब्बा बाजार का भी हालात बताऊँगा, ग्रे मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है, और कहीं इस IPO के हालात भी SBI कार्ड IPO की तरह ना हो जाए, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये IPO 496 करोड़ का है, अप्रोक्स आप 500 करोड़ कह सकते हैं, जिसमें 50 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और बाकी सब ऑफर फॉर सेल हैं। इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड जो रहेगा वो 423 से 425 रुपये के बीच में रहेगा। लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पे होगी। रिटेल पोर्शन 50%, इक्विटी शेयर्स होंगे वो 1,16,82,000 होंगे। अगर बात करें रिटेल इन्वेस्टर कितनी बिडिंग कर सकते हैं, कितने शेयर के लिए बिड कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मिनिमम 35 शेयर के लिए आप बिड कर सकते हैं और मैक्सिमम 455 शेयर के लिए। मिनिमम अमाउंट आपका होगा 14,875 और मैक्सिमम होगा 1,93,375। देखिए कंपनी के कुछ फाइनेंशियल ट्रेंड के मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए 496 करोड़ का जो IPO है उसमें फ्रेश इशू 50 करोड़ का है और 446 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्री IPO मतलब IPO से पहले 95% कंपनी के पास था और IPO के बाद 72% कंपनी के पास हो जाएगा। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें कि कंपनी अपना रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है, तो ये 47% होम और पर्सनल केयर से जनरेट करती है और टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो प्रोडक्ट सप्लाई करती है वहाँ से 44% ये रेवेन्यू जनरेट करती है, और एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशन में ये 9% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब बात करते हैं इसकी ROC और ROE की। देखिए ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब कंपनी जितना कैपिटल लगा रही है, जितने रुपये लगा रही है उस पर वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो जितना ये ज़्यादा होगा, जितना परसेंटेज ये ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। देखिए इस कंपनी का ROE आरती इंडस्ट्री से, अतुल से, फाइन ऑर्गेनिक से, विनाती ऑर्गेनिक से सबसे बढ़िया है, और ROC भी देखेंगे तो इसका काफ़ी अच्छा है। तो वैसे अगर जो इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से तो वो भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। और आप इस कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी बाकी कंपनियों से बहुत बेटर है। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बेटर कंपनी हो सकती है, लेकिन हमें बात करनी है यहाँ IPO में, क्या हमें IPO में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, कहीं इसका हालात भी SBI कार्ड IPO की तरह ना हो जाए और रिटेल इन्वेस्टर लूट ना जाए। देखिए इसके ग्रे मार्केट का प्राइस देखेंगे तो वो काफ़ी धीरे धीरे से बढ़ रहा है। 7 तारीख को वो 35 से 40 रुपये था, 8 तारीख को वो 95 से 100 रुपये और 9 तारीख को 125 से 130 रुपये। वहीं SBI कार्ड का जो IPO आया था वो एक हफ्ते पहले ही 1000 रुपये को टच कर चुका था। कोरोना वायरस के कारण पूरे वर्ल्ड के ही हालात ख़राब हो गए थे, सभी मार्केट डाउन जाने लगे थे, तो SBI कार्ड की जो ओपनिंग हुई वो डिस्काउंट ओपनिंग हुई। इसी तरह अभी भी मार्केट स्टेबल नहीं है, ऑपरेटर के द्वारा चलाया जा रहा है सारा मार्केट, और आपने देखा होगा जितने भी पास्ट में IPO आए हैं, एक साल में जो IPO आए हैं वो सारे 50% डाउन जा चुके हैं। तो अब शेयर लेने में फ़ायदा है या फिर IPO के वक्त लेने में फ़ायदा था, तो अब अगर जो आप शेयर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, अगर जो मार्केट दोबारा गिरावट दिखाता है तो इसका शेयर भी डेफिनेटली डाउन आएगा ही आएगा, और उस वक्त आप अच्छा खासा माल उठा सकते हैं, बशर्ते ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर जो इसमें आप पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आपको इसमें पैसा लगाना है तो आपको ग्रे मार्केट का प्राइस देखना ही होगा, ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है उस पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि अगर जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है वो 450 से नीचे रहता है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला ओपनिंग वाले दिन, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखें, और आपको नहीं पता कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसे देखा जाता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपको अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।